सस्ती बात के कार्यक्रम में हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है। नगर निगम का चुनाव चूंकि बिगुल बज चुका है और मैदान बिल्कुल सज चुका है। इस बार हमारे साथ महात्मा गांधी वार्ड से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, नामांकन इनका हो चुका है, अब मैदान बिल्कुल सज चुका है। ऐसे ही अमित कुमार चौधरी लगातार जनता के बीच इनकी युवापन पे इनकी ऊर्जा इनकी शक्ति रही तो है, लेकिन राजनीति में पदार्पण आखिर क्यों, और अगर यहाँ पे पार्षद बनेंगे तो क्या परिवर्तन करके दिखाएंगे, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके जवाब जानना आपको भी जरूरी है, और लगभग लगभग जनता के सवालों को का उत्तर अमित चौधरी को भी देना चाहिए। बस थोड़ी देर में हमारी बातचीत होगी अमित चौधरी से, देखिएगा बस थोड़ी देर। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं अमित चौधरी, हम सीधे बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार अमित जी, राजनीति में उतरने के पीछे का मूल मकसद क्या था, आखिर पद प्रतिष्ठा लोभ लालच या कुछ और राजनीति की में आए क्यों थे? राजनीति में उतरने का कोई मेरा मेन मकसद तो नहीं था, लेकिन पिछले 10-15 सालों से तकरीबन 3 चुनाव मैंने देखे और लोगों को लड़ाए, जिन प्रत्याशियों में लड़ाए को अपने दिल से पूरे दिल से लड़ाए कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो क्षेत्र में विकास का कार्य करे। प्रत्याशी हमारे लड़ाई जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन कोशिश मेरी ये रही कि वो अच्छा प्रत्याशी लेके आए जिनको मैं लड़ाऊँ। और राजनीति में आने का सबका यही कारण होता है कि मैं राजनीति में विकास करने आया हूँ, मेरा ही मकसद वही है विकास के नाते से, कि क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं और वो हर क्षेत्र में होती हैं, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं कि कोई सभासद कराता नहीं उसको, सभासद यहाँ के कराते भी हैं उस समस्याओं को। बात यह है कि लड़ते लड़ते लड़ने आ गए, ये लड़ाते लड़ाते लड़ने आ गए, इसका कारण क्या माना? लड़ाते लड़ाते इस वजह से आया कि मुझे लगा कि सभासद कार्य बहुत ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, सफाई बिजली स्ट्रीट लाइट ये 3 व्यवस्थाएं अगर सभासद सही से करा ले, और चौथी सबसे बड़ी समस्या है जो इस वर्ल्ड की है पानी और सीवर की, पानी और सीवर की समस्या है जो बहुत बड़ी है। ऐसा है कि जगह जगह टंकियाँ लगवाई हुई पार्षदों ने और विधायक निधि से भी लगी हुई हैं, लेकिन उससे मूल निवारण नहीं हो पाता। जो उसका असली निवारण होगा वो घर घर अगर पानी जाए वो निवारण होना अच्छा चाहिए, ये नहीं कि क्षेत्र की महिलाएं टंकी पानी भर रही हैं और वो लड़ाई हो रही है उस कारण, कभी मोटरें खराब हो जाती, इसका ये सही सलूशन नहीं। मेरे हिसाब से सही सलूशन ये है कि कम से कम जिस तरह हम लोग बचपन में अपने घर में पानी ऑन करते थे, टोटी तेज धार में पानी आता था, बचपन में आता था जी, बचपने में हमारे घर में बचपने में जब हम देखते थे नहाते थे तो सीधे ऑन किया पानी टोटी से सीधे आता था। आज वो समस्या है कि टुल्लू लगाकर पानी आते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। अब टुल्लू इसलिए टुल्लू भी नहीं काम करे क्योंकि हर घर में टुल्लू हो गए, जब एक साथ सारे टुल्लू चलते हैं तो जहाँ भी प्रेशर खींच जाएगा, जिसका पहले आ गया पहले आ गया। यही लड़ाते लड़ाते अब लड़ने इसलिए आ गए कि उन लोगों में आपको नजर नहीं आया विकास वो लोग करा पाएंगे, आपको लगा कि मैं अगर आऊँगा तो वो सब मकसद जो आपका विकास कराने का पूर्ण हो सकता है, इसलिए एक कोशिश तो पूरी है हमारी कि उसी पद पर काम करने की। उसके लिए मुझे अपना नहीं जनता का भी सपोर्ट चाहिए, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत बड़ा बजट होता है पार्षद का, बहुत बड़ा बजट तो होता नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें जनता के साथ जनता के बीच में और जनता के साथ चाहिए, दोनों के बिना ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि पार्षद का एक छोटा बजट होता है। अच्छा एक बात और कि मान लिया कि चलो आप विकास करना चाहते हैं, आपकी जो सोच है वो भी अच्छी है, मानते हैं युवा की उसे सोच होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों पसंद आ गई, इसके पीछे का क्या मकसद? कांग्रेस पार्टी हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री कैलाशचंद जी चौधरी जी जो कांग्रेस पार्टी में समर्पित रहे, उन्होंने बख्शी दीदी को चुनाव लड़ाए सारे चुनाव, और कांग्रेस से हम लोग पारिवारिक जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पारिवारिक जुड़ा हुआ इसलिए आपको कोई विचारधारा नहीं रही कि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो समाज सेवा की कोई विचारधारा आपसे नहीं मिली? नहीं, कांग्रेस पार्टी में इसलिए जाने का मकसद ये भी रहा कि एक साफ सुथरी पार्टी है वो, और सारे घोटाले तो इसी पार्टी में स्कैम से लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक आ चुके हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि साफ सुथरी पार्टी? हाँ, हमारा मानना तो यही है, स्कैम और घोटाले जितने भी अभी तक आए हैं वो सिद्ध कितने हुए, सारे कोर्ट में चल रहे हैं। हाँ, सिद्ध कितने हुए, वो कहीं ना कहीं वो जब हो जाता है कि अपना आदमी जब गलत हो जाए तो दिखाई कम पड़ता है। ये बात भी अब आप कह रहे हैं तो माननी पड़ेगी। अगला प्रश्न, आप पिछली बार आप कह रहे थे कि आप किसी को आपने लड़ाया था, इस बार भी वो लड़ रहा है, बात इतनी है कि जो पिछली बार लड़ा उसने उसको आपने लड़ाया लेकिन उसने आपकी बात नहीं मानी, इस बार भी वो लड़ रहा है, आपके सामने आपका अपना ही है, क्या लगता है आपको? उस बात पर नहीं जाना चाहते हैं, सवाल गंभीर है, आप जाना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, वो बस नहीं जाना चाहते उस बात पे। चलिए बात मान ली कि आप समाज सेवा के क्षेत्र विकास के उद्देश्य से उतरे,
विकास आप करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी आपने इसलिए पकड़ी क्योंकि आपके पारिवारिक जनों में कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़े थे, इसलिए आप भी जुड़ गए। चलिए सब बातें ठीक है, अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या उम्मीदें आप पूरा करेंगे और किस मकसद से और क्या प्रोजेक्ट लेकर उतरेंगे, किन किन चीज़ों को पूरा करने पर ज़्यादा प्राथमिकता? सबसे पहला तो ये है कि सफाई, सफाई के लिए हमने बहुत से अपने सोच रखा है डस्टबिन व्यवस्था कराने की डोर टू डोर, और इस क्षेत्र में जितने भी घर हैं एक सोसाइटी बनाऊंगा मैं महात्मा गांधी वार्ड सोसाइटी के नाम से, उसमें जो भी घर सम्मिलित होना चाहे, जो भी मेंबर बनना चाहे वो बन सकता है। इस व्यवस्था को इस स्टार्ट करूंगा। कूड़े की समस्याएं लोग घर के बाहर फेंक देते हैं, उसके पीछे लड़ाइयाँ भी होती हैं घर में। स्वच्छ भारत आप भी चलाएंगे? अभी शुरुआत स्वच्छ ही होनी चाहिए, तभी सभी समाज स्वच्छ समाज आगे बढ़ेगा, बीमारियाँ दूर होंगी उससे। मोदी जी वाला तो मेरा मानना नहीं है कि मैं मोदी जी, लेकिन स्वच्छता बहुत जरूरी है। अपना आप अपने घर में सुबह उठते हैं तो सफाई जरूर करते हैं, क्यों करते हैं? स्वच्छ तो स्वच्छ होना ही अच्छी बात है, उससे बीमारियां दूर होती हैं। अच्छा, जो कूड़ा फेंका जाता है गली गली, ऐसे आप निकलेंगे हमारे घर के बगल से तो कूड़ा घर बना हुआ, लोग वहां फेंक देते हैं आकर। मोदी जी वाला पूछने का मतलब कारण ये था कि मोदी जी वाले में सफाई दिख नहीं रही है, आप भी मोदी जी वाला करेंगे सफाई दिखेगी नहीं, सिर्फ बातें होंगी? नहीं, उसी को बता रहा हूँ कि मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊँ। मैंने कहा कि मैं महात्मा गांधी वार्ड से एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उस सोसाइटी में जब शामिल होंगे, हम किसी को शामिल करेंगे तभी तो कुछ होगा, हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। मैं कुछ अकेले करने जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो विकास करेंगे सामूहिकता को मिलाकर और धरातल पर लेकर। जी जी बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जमीन का आदमी जमीन से जुड़े, आसमान में रहकर बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक बात, पूर्व पार्षद, निवर्तमान पार्षद और आपके सामने लगभग अपने ही, क्या होगा चुनौतीपूर्ण और क्या लगता है कि सामने कौन टक्कर में रहेगा? मेरी लड़ाई खुद से है। आप खुद से लड़ेंगे? जी, मेरी लड़ाई खुद से है और किसी से नहीं है, क्योंकि पार्षद एक इलेक्शन है, क्षेत्रीय इलेक्शन है और सभी भाई हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके बीच नहीं है, हमारे संबंध नहीं, सबसे अच्छे सबूत मधुर संबंध है, चाहे ए टू जेड जितने भी प्रत्याशी, शायद ही मैं किसी से ना मिलता हूँ, सबसे बातचीत करता हूँ दोस्त के नाते, कभी इस बात निगेटिव पॉइंट नहीं सोचा कि वो मेरा प्रतिद्वंदी है, वो मेरा भाई है, दैट्स ऑल। भाजपा, बसपा, सपा, सभी अपने हैं, कोई अंदर कुछ और है बाहर निकाल? नहीं, अंदर कुछ नहीं है, जो जवान पे है वो भी अंदर है, सब अपने हैं। साफ अमित, बिल्कुल साफ अमित। चलिए एक बात और पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ की जनता आपको वोट देगी तो आपका समर्पण कितना रहा पीछे, क्या काम आपने किए? हालांकि वो बात हम जनता से पूछ सकते हैं लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं आपसे क्या काम। बहुत ज़्यादा कार्य तो किए नहीं, ईमानदारी की बात है। वोट किस बात? बहुत ज़्यादा कार्य नहीं किए, हाँ जितने किए, जितने भी किए, जो हमसे सक्षम था, पर्याप्त था, जो व्यवस्था है, लोगों ने बोला ये होना है, सीवर की व्यवस्था है, कोशिश पूरी करी करवाने की, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, कोई मैं नेता तो हूँ नहीं, या मेरे पास कोई पद था कि मैं किसी को फ़ोन करूँ तुरंत आ जाए। अगर एक पद होता और तब मैं ना कराता तो मैं गलत होता, लेकिन जब मुझे पद मिलेगा, जनता मुझे स्वीकार करेगी और मैं 5 साल उनके लिए जब काम करूँगा तब बात अच्छी होगी। यानी आप ये विश्वास दिलाते हैं और ये बताते भी हैं, विश्वास भी दिलाते हैं। एक बताते ये हैं कि पीछे आपने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे जो जनता से जुड़े हों, हाँ ये माने इस बात? किए हैं लेकिन उस तरह के कार्य नहीं किए जो पद के अनुसार होने चाहिए। पद नहीं है तो पद के बिना कौन से काम किए भाई? पद के बिना भाई सीवर की समस्या, किसी ने बोला स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, मैंने नगर में कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बाद लाइटें बनी, ऐसे कहीं पर वो समर सेवल खराब हुआ, अगर वो आए कहे भाई इसको बनवा दीजिए तो मैंने उसको भी बनवाया। बहुत ज़्यादा मन चाहे स्वयं से हो, क्योंकि सरकारी चीज़ें हैं, टाइम लगता है, अगर कोई मेरे पास आता है और मुझे समस्या बताता है तो मैं निदान करने की कोशिश करता हूँ, 100% करता हूँ, और 100 में कभी 90 होती हैं, 10% छूट जाती हैं, कभी 10% होती है और 90 छूट जाती हैं। मानते हैं कि चलो आपने जिस तरह से बताया कि बिना पद के कर पाना भी कठिन होता है लेकिन आपने प्रयास किया, चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये बता दीजिए कि क्या पूर्व या निवर्तमान पार्षद ने क्या ठीक ढंग से काम किए हैं जिस प्रकार से होने चाहिए, जिन आशाओं के साथ उनको विजय कराया था, और जितना हमें पता है कि उनके साथ आप भी थे पूर्व चुनाव में? ये गलत मैसेज है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनके साथ कभी नहीं रहा चुनाव में, ये गलत मैसेज है, पार्षद जी को बता सकते हैं कि मैंने कभी उनको चुनाव नहीं लड़ाया, नहीं थे, चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या अमित जी ये बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसे कोई काम किए हैं जो सराहनीय, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि वो सब ठीक है, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं,
काम की दृष्टि से भी मित्रता ही मित्रता वाला जवाब देंगे या वाकई में कुछ काम किया है? नहीं, उन्होंने बोला है भाई ऐसा है, हमारे पार्षद जी जो रहे उनकी पत्नी पार्षद थी सुनीता दास जी, और उनके पति सुनील दास जी ने कार्य किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, लेकिन कार्य जो होने चाहिए क्षेत्र में बराबर से होने चाहिए, किसी एक पार्ट में नहीं होना चाहिए, सारे वार्डों में काम होना चाहिए। कोई वार्ड सभासद पूरे वार्ड के हैं, वो महात्मा गांधी वार्ड छा छट के काम उन्होंने निसंदेह नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, निसंदेह उन्होंने काम किए हैं, लेकिन काम को करने का तरीका वो मुझे सही नहीं लगा। आपको सही नहीं लगा, जनता को क्या लगता है आपके हिसाब से? अब इसका जवाब तो 26 तारीख को जनता देगी उन्हें, यानी वोट निश्चित रूप से एंटी जाएगा। अब जनता ही दे, जनता के दिल में तो मैं नहीं हूँ। आप हमेशा हमेशा बात दबा के क्यों बोलते हैं? नहीं, दबा के नहीं, दबा के बोलने का कोई अर्थ नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूँ, इसका जवाब जनता देगी। अगर कार्य किए होंगे तो उनको जरूर, और नहीं किए होंगे तो भी। अच्छा, मुख्य आखिरी प्रश्न, मुख्य आपका मुख्य बिंदु क्या होगा और फोकस पूरे चुनाव में इस बिंदु पर होगा वो कौन सा, और वही एजेंडा लेके आप चले? मेरा दो ही बिंदु है, पानी व्यवस्था और सीवर सही कर देना। जिस दिन ये पानी और व्यवस्था सीवर सही हो जाएगी तो गलियां खुदेंगी नहीं, रोज रोड कभी टूटेगी नहीं। रोड तब टूटती है जब पानी नहीं होता, घर में तो खुदाई कर देते हैं, इंटरलॉकिंग अगर एक बार आप निकाल लोगे तो दोबारा वो सेट नहीं हो सकती, वो फिर दबती रहती है। तो जब उसका कारण है कि हमारे घर में पानी नहीं आया तो हमने खुदाई शुरू की। जब पानी खुदाई शुरू करेंगे तो रोड खराब होगी, 5 साल में 10 बार रोड खुदेगी, 10 बार बनेगी। तो जब हम एक निजी व्यवस्था पर आएंगे, अगर पानी और सीवर एक मुश्त हर लाइन पूरे जहाँ छोटी लाइनें हैं, ऐसा नहीं कि पड़ी नहीं है लाइनें, कुछ लाइनें हैं डाउन हैं, टूटी हैं, फूटी हैं, सीवर उबल रहे हैं, है दिक्कतें हैं, लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, दिक्कतें होंगी भी। जहाँ अब तो कम हो गया है? नहीं, हमारा क्षेत्र तो बड़ा है थोड़ा बहुत। ये हम माने कि आप आएंगे तो निश्चित रूप से वो परसेंटेज जो विकास का है उससे बढ़ेगा। ये आपको नेक्स्ट इंटर पता चलेगा कि हम इसके विकास किए कि नहीं किए। जी जी, चलो अच्छी बात है। एक आखिरी प्रश्न, आप किस तरफ से कोई संदेश जनता को कि जनता उस बात को माने और समझे और सोचे उस पर? हमें जनता से इसी संदेश देना कि आप उस प्रत्याशी को चुने जो आपके काम आए, ना कि आपके प्रति वो अपना काम निभालें। धन्यवाद। आपने सुना अमित चौधरी को, लगभग सारी बातें स्पष्ट हो गई। राजनीति में क्यों आए, कांग्रेस पार्टी क्यों पकड़ी, अगर पार्षद बनेंगे तो क्या करके दिखाएंगे, और पूर्व पार्षद कह सकते हैं, निवर्तमान भी कह सकते हैं, जी ने कितने कथनी और करनी पर काम किए, उस पर भी दबी आवाज में ही सही, लेकिन आवाज स्पष्ट आया कि काम कितने कराए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ। कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़।